बोल लीजिएगा। ये है भरत भाई जो कि पटना तक हमारे साथ जाने वाले हैं और अपने चैनल का न्यू सब्सक्राइबर भी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दुर्गेश। तो आज तो निकल गया है घर के लिए। आज दार्जिलिंग का लास्ट डेज है और चलते हैं यहाँ से फिर अपन घर। डे 3 हो गया अपना दार्जिलिंग में, तीसरा डेज है आज अपना और आज अपन को निकलना है फिर घर के लिए। तो अभी रूम से निकल गए हैं और सबसे पहले तो अपन को चाय पीना है भाई। देखते हैं पहले चाय पीते हैं चल के कहीं और फिर चलते हैं सिलीगुड़ी के लिए, टैक्सी पकड़ना है। आज दार्जिलिंग का ट्रिप ख़त्म होने वाला है यहीं से। हेलो गाइस, तो हम अभी है सिलीगुड़ी बस स्टैंड में और अपने को यहाँ हो गया करीब 6 घंटा, यानी 12 बजे यहाँ आए थे और अभी टाइम हो रहा है 5:15 और बस अभी तक आई नहीं है, तो बस को अभी आने में 5 मिनट टाइम है। तो अभी देखिए हमारे साथ कौन है, अपने चैनल का न्यू सब्सक्राइबर भी और अपना दोस्त भी, हम दोनों पटना तक साथ ही जाने वाले हैं। तो आइए मिलिए आप अपने भाई से और अपने चैनल के न्यू सब्सक्राइबर से। भाई बोल लीजिएगा। ये है भरत भाई जो कि पटना तक हमारे साथ जाने वाले हैं और अपने चैनल का न्यू सब्सक्राइबर भी है। तो बस में बैठते हैं, अब बस आने वाली है 5 मिनट में, उसके बाद हम बात करते हैं क्या। तो हम लोग बैठ गए हैं दोनों भाई साथ में और अभी बस खुलने में टाइम है तो बस में बैठे हुए हैं। जैसे ही बस खुलती है तो हम आपको बता दे रहे हैं। फिलहाल तो हम दोनों भाई साथ में बैठे हुए हैं और यहाँ से पटना तक साथ चलेंगे। बस खुलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। के साथ मजा तो बहुत आ रहा है। कल दो आज अलग अलग हो जाएंगे तो कैसे अलग होंगे पता नहीं चल रहा। सच में हमको अलग होने का मन नहीं हो रहा।
मिलेंगे अभी के साथ रहे मिलेंगे हाँ फिर मिलेंगे चलते चलते क्या है? हम लोग आ गए हैं होटल में खाना खाने और यहाँ पे बस को रोका गया है सब लोग अपना खाना खाएंगे हम लोग भी खाना खाने आए हैं देखते हैं खाना आ रहा है खाना खाते उसके बाद बस में सो जाएंगे फिर सुबह में मिलेंगे तो आ गया अपना खाना और खाते हैं साथ में ऐसा ही साथ में है नाम है आपका भरत भाई साथ में है बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ अभी भरत भाई को देख लो भरत भाई भी साथ में अच्छा आ रहा है खाना खा लिए हम लोग और अब चलते हैं बस में सो जाएंगे कल सुबह में मिलते हैं पटना में एक ही बार और पटना में वहाँ मिल के बात करते हैं बस में जा के बैठते हैं बस अपना बस है ये अपना बस नहीं मतलब हम लोग ट्रेवल करके आए तो अपना ही बस क्या मेरा इनका बस मेरा भी बस सबका है जो लोग बैठे हुए सबका है क्या हेलो सॉरी गाइस यार जब सुबह होकर हम पटना पहुंचे तो मेरे कैमरा के बैटरी पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी तो वहाँ की हम मोमेंट को कैप्चर करने में सक्षम नहीं रहे बेसिकली भरत भाई जो थे हमारे साथ में जो पटना तक आए सिलीगुड़ी से वो कलिम्पोंग से थे और वो पटना जॉब इंटरव्यू के लिए आए हुए थे तो हम दोनों फिर पटना पहुंच के अलग हो गए हम अपने घर आ गए और भरत भाई अपने इंटरव्यू के लिए चले गए तो यार होता है ना जैसे कभी कभी सफ़र में किसी अनजान व्यक्ति से भी इतना गहरा दोस्ती हो जाता है कि मानो अलग होना मुश्किल हो जाता है और अंदर से इमोशनल वाली फीलिंग आने लगती है वही मेरे साथ भी हुआ और भरत भाई अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो यार रियली आई मिस यू पता नहीं फिर कभी मिलेंगे या नहीं तो गाइस ये मेरा दार्जिलिंग ट्रिप ख़त्म होता है यहाँ से और नेक्स्ट वीडियो में एक या दो रोज के बाद अपलोड करूँगा उसमें मैं बताऊँगा कि आपको दार्जिलिंग कैसे जाना है और दार्जिलिंग में आपको कहाँ होटल लेना है दार्जिलिंग में आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और सारा कुछ मैं उसमें बताऊँगा और वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ एक या दो रोज़ के बाद तो आप देख लेना उस वीडियो को आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि किस तरह से जाया जाए कहाँ रहना चाहिए और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए कितना खर्चा हो सारा कुछ उसमें हम बता देंगे और हाँ गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए मेहमानों से आग्रह है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे फैमिली के साथ सब्सक्राइब का लाल बटन होगा जल्दी से दबा दीजिए सब्सक्राइब के बटन को और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी यार सब्सक्राइब करते रहे और जो लोग कर चुके हैं सब्सक्राइब उनका एक काम है कि इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचाओ यार और हाँ कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आपके मन में कोई सवाल भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं आपका भाई पूरा कोशिश करेगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने का तो बस इस वीडियो में इतना ही हाँ नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा एक या दो रोज बाद वीडियो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो देख के आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे जाना चाहिए कहाँ रहना चाहिए कहाँ कहाँ घूमना चाहिए कितना टोटल खर्चा होगा सारा कुछ उसमें मैं बता दूँगा तो इस वीडियो में बस इतना है खुश रहिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो और दूसरे को भी मुस्कान देते रहो और फिर मिलेंगे चलते चलते।